तो हमें टैलेंट शो के लिए एक एक्ट तैयार करना होगा, या फिर हम अपने MBA की एंट्रेंस की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। हमें अपने भविष्य के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, कुछ नया। सॉरी गाइस, मैं अपना कैमरा भूल गई थी। टॉली, डिस्टर्ब मत करो, हम सोच रहे हैं। मेरे आने से तुम डिस्टर्ब हो गए? हाँ, तुम्हारे आने से मैं तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। अच्छा, और मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे आने से तो सिर्फ डिस्टर्ब होता हूँ। अब आप लोग प्लीज तशरीफ ले जाइए, क्योंकि हम टैलेंट शो के लिए एक एक्ट तैयार कर रहे हैं, प्लीज। पता है उस टैलेंट शो का MC कौन है? मैं। हाँ, और तुम लोगों को एक और बात बता दूं, पता है इस टैलेंट शो में मैं और रितेश एक साथ डांस कर रहे हैं। क्या तुम अभी भी उस रितेश के साथ हो? अरे, उसकी हाइट, उसके लुक्स, उसका टैलेंट निकाल दो तो उसमें बचता ही क्या है? तुम यार, मुझे वो रितेश बनना है। तो हमें टैलेंट शो के लिए एक एक्ट सोचना पड़ेगा, कुछ खास, कुछ नया। आ गया आइडिया, हम वो बंदर वाला एक्ट करेंगे। पुराना है लेकिन सबको बहुत पसंद आता है यार। खाली एक मदारी और एक बंदर। यस, मैं मदारी और तू बंदर। नहीं नहीं, तू बंदर। मजाक मत कर यार, तू बंदर। बंदर यार। देख, मजाक मत कर, मैं बोला ना तू बंदर बनेगा। तू नेचुरल बंदर यार पुपी, तू बंदर बन जा। देख, तू बंदर है इसलिए तू बंदर बनेगा। तो मुझे बंदर बुला रहा है। तू बंदर बनेगा रोहन, तू बंदर बनेगा, तू बंदर बनेगा रोहन, तू बंदर बनेगा, तू बंदर बनेगा। अगर तुम्हारी फोटो का मजाक उड़ाना है तो प्लीज यहाँ से चल जाओ, प्लीज। सनी, मैं यहाँ पे तुम्हारी फोटो का मजाक उड़ाने नहीं आई हूँ, बल्कि ये कहने आई हूँ कि तुम्हारा ये जो पोस्टर है ना, बहुत स्टूपिड है। जाकर उस माधव के लिए वोट करो, जाओ। मैं उस माधव के लिए वोट नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमेशा अपनी उंगली अपने कान में डाल के कुछ ढूंढता रहता है। चलो, कम से कम उसने अपने नाक को तो माफ किया। सनी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, किसी भी इलेक्शन को एक लड़की जिता सकती है, और तुम लकी हो कि तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम मुझे कैसे जिताओगी? पूरा एक कैंपेन करना पड़ेगा, जगह जगह पोस्टर्स लगाएंगे, स्कूल की वेबसाइट पे तुम्हारा एक वीडियो भी अपलोड करेंगे। तुम्हारे पास कैमरा है? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरी दीदी। वेरी गुड, हम ना इस वीडियो में तुम्हारी छोटी बहन निकी को भी यूज करेंगे। तुम जानते हो, सारी लड़कियाँ छोटी बच्ची को देख कर पागल हो जाती है, मतलब मैं नहीं बाकी सब लड़कियाँ। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? हम दोनों तो दुश्मन है ना। सनी सनी सनी, सुनो, अपने रिश्ते को हम कोई भी नाम नहीं देते, बस मान लो कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन। मैं कुछ नए स्टेप्स करता हूँ, तुम बताओ कैसे, ओके? कैसा लगा? अच्छा था, लेकिन तुमने वैसे नहीं किया जैसे मैंने बताया। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा कुछ चेंज कर दूं, एक दो चीज ऐड कर दूं तो अच्छा लगेगा, है ना? या एक दो चीज निकाल दें तो? ओके, ठीक है, मैं एक और डांस दिखाती हूँ जो मैंने प्रिपेयर किया, देखोगे? ओके, वार्म अप कर लेती हूँ। इस डांस का नाम है टिशुम टिशुम, या टिशुम 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 टिशुम। और कुछ आता है तुम्हें? हाँ, सबको हिप हॉप के बारे में तो पता ही होगा, ये मैंने कराटे से इंस्पायर होके बनाया, इसे कहते हैं कराटे चॉप। कैसा था? फैंटास्टिक। ये लो, दीदी का कैमरा, हम इसे अपनी शूटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम तुम्हें दिखाएंगे,
एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह, तो थोड़ा दमदार स्ट्रॉन्ग बन के दिखाओ। क्या मैं ऐसे करूं? क्या कैसे करूं? तुम अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद करके बोलो, मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगा। मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगा। ये हुई ना बात। ठीक है, हमने तुम्हारी स्ट्रॉन्ग साइड तो देख ली, अब ये दिखाना है कि तुम्हें कितनी ममता है। तो अभी तुम इस बच्ची को नीचे रखो और उसके पीछे भागो। मैं तुम्हें पकड़ूंगा, 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 पकड़ूंगा। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, पकड़ लिया, ये है। ओ, पकड़ लिया, पकड़ लिया। कितनी प्यारी बच्ची है, सारी लड़कियां इसे देखकर पागल हो जाएंगे। अब हटाओ इसे यहाँ से। अब हमें दिखाना एक समझदार लीडर। तो मैं ऐसे करूं? नहीं, तुम बस मेरे सवालों का जवाब दो। ठीक है, हम शुरू करें। सनी, हमारे रिसेस के टाइम को थोड़ा और बढ़ाने के बारे में आपके क्या विचार है? ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। कुछ टीचर्स का कहना है कि हमारे होमवर्क को थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है। हमें अभी जितना होमवर्क मिलता है वही ठीक है। और आखिरी सवाल, ग्राउंड में खेलने के कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं, आपकी राय? मैं इन रूल्स के खिलाफ हूँ। एक तरफ सेफ्टी और एक तरफ मस्ती, ये दोनों साथ में कभी नहीं हो सकते। गुड, अब बोलो कि मैं हूँ सनी सिंह और मुझे इस मैसेज पे गर्व है। मैं हूँ सनी सिंह और मुझे इस मैसेज पे गर्व है। क्या बात है सनी, बस हो गया। तो हम जाके वीडियो गेम खेले। सनी, मुझे लगता है जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाते ना, तब तक हमारी दोस्ती प्रोफेशनली रहनी चाहिए। मैं कैमरा शाम को लौटा दूंगी। पोपी, तू बंदर बनेगा। रोहन, तू बंदर बनेगा। तू बनेगा बंदर। तू बनेगा बंदर। तू बनेगा बंदर। तू बंदर बनेगा। तू बंदर बनेगा। तू बंदर बनेगा। तू बनेगा बंदर। ऐसा करते करते हमें सारा दिन हो जाएगा। ऐसा करते करते सारा दिन हो चुका है पोपी। मैं बंदर कैसे बन सकता हूँ? मुझे देख, ढंग से देख। लेकिन तू बंदर बन सकता है क्योंकि तू तो बोन बंदर है। ए, ए, पोपी, तू आईना देख शक्ल में, बंदर का पट्टा। मुझे लगता है हम दोनों बंदर हैं जो कुछ सोच नहीं सकते। यार तू सही कह रहे हैं, हम दोनों बंदर हैं। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हो। पैम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो पता चल गया है ना कि डॉली डांस नहीं कर सकती। बहुत बहुत बुरा डांस करती है, मैं पूरी कॉलोनी के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता, मैं क्या करूँ? एक काम कर, उसके पास जा और उसकी आंखों में देखो और उसे साफ साफ बोल दे कि डॉली आंगन सीधा हो सकता है लेकिन तू डांस नहीं कर सकती। वो शायद मैं नहीं कह पाऊँ, लेकिन अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड ये बात कहे तो अच्छा रहेगा, है ना? है ना? मजाक अच्छा कर लेते हो, है ना? है ना? ठीक है ठीक है, मैं खुद ही कह दूंगा, वैसे भी सच कहने में कैसी शर्म। ओह, मेरा पैर टूट गया। लेकिन कैसे? वो जो तुमने डांस मूव बताया था ना, वो प्रैक्टिस कर रहा था और फिसल गया। हाँ, मुझे पता है, वो कराटे चॉप काफी मुश्किल है। हाँ, तुम सही कह रही हो। टैलेंट शो के एकदम पहले, क्या टाइमिंग है ना? तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। हाँ, आराम से। Oh.
ठीक हो ना? तुम्हें भूख लगी है? थोड़ी सी। मुझे बता तुम्हें क्या पसंद आएगा? चिकन सूप? ठीक है, मैं बस अभी आई। चिकन सूप? हाँ, थैंक्स इमानी। हे मॉम डैड, मैंने मॉनिटर बनने के इलेक्शन वीडियो गुरी ने वेबसाइट पे डाल दिए, अब देखना चाहोगे? हाँ दिखाओ ना। ये देखो। क्या आप सनी सिंह को अच्छे से जानते हैं? मैं तुमसे लड़ूंगा। सनी, आपको कैसा लगेगा अगर हमारी रिसेस कैंसिल कर दी जाए? ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और होमवर्क कम करने के बारे में आपकी क्या राय है? ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है। हमें अभी जितना होमवर्क मिलता है वही ठीक है। अच्छा, और आखिरी सवाल, लड़कियां आपको कैसी लगती है? मैं इनके खिलाफ हूँ। सनी सिंह, रीसेस के खिलाफ, कम होमवर्क और लड़कियों के भी खिलाफ, खासकर छोटी बच्चियों के। गुरी मल्होत्रा और मैं बनना चाहती हूँ आपकी क्लास मॉनिटर। मैं हूँ सनी सिंह और मुझे इस मैसेज पे गर्व है। मुझे पता है बेटा, ये बुरा तो लग रहा है लेकिन लेकिन क्या? हाय। तुम सोच रही होगी कि मैं टूटे पैर के साथ कैसे भाग रहा था? हाँ, सोच तो रही थी। कितनी प्यारी लग रही हो ना आज तुम। तुम अपने पैर के बारे में बता रहे थे। कितनी अच्छी बातें करती हो। रितेश, हो क्या रहा है? ओके, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मेरा पैर टूटा नहीं है। क्या? वो जो हम साथ में डांस करने वाले थे ना। तुमने क्या लगा रितेश, तुम मेरे सारे डांस मूव्स एक दिन में सीख जाओगे? हमें लगता है रितेश, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम मेरे डांस के साथ नहीं है। ओह, लेकिन तो क्या हुआ, इतने सारे लोग डांस नहीं कर सकते, उनमें से तुम भी एक हो। तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मैं एक कमाल की डांसर हूं। मैं तो सिर्फ सच बोलने की कोशिश कर रहा था। हाँ बिल्कुल, जैसे तुमने अपने टूटे पैर के बारे में सच बताया, अब मैं भी तुम्हें एक सच बता दूं। मैं अपने लिए एक नया डांस पार्टनर ढूंढने जा रही हूँ जिसको मेरी और मेरे टैलेंट की कदर हो। सुनो तो डॉली। हाँ, और एक और बात, मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप लाई थी जो मैंने खुद बनाया था। क्लास इस तरफ है। अरे अच्छा, हमने बंदर वाला एक्ट छोड़ के जगलिंग का एक्ट करने की सोची। हम भी कितने बुद्धू हैं, जगलिंग कितना आसान काम है, है ना? पहले तू फेंक। तू फेंक? नहीं नहीं, पहले तू फेंक। तू फेंक पहले? पहले तू फेंक। देख तू गुड लक चाहे, इसलिए तू फेंकेगा। आसान है ना, तो तू फेंक। तू फेंक पहले। तू फेंक। तू फेंक। तू फेंक। तू फेंक। टोपी, तुम इस टैलेंट शो में मेरे डांस पार्टनर बनोगे? हाँ। ठीक है, तो चलो चल के गैराज में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। एक मिनट, ये अभी हुआ क्या यहाँ पे? डॉली चाहती है कि मैं उसका डांस पार्टनर बनूं, तो मैं चला। टड़ा। अबे, तो मैं, मुझे ऐसे बीच में छोड़ देगा? देख, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आज तक हम दोनों ने कितने सुख दुख एक साथ झेले हैं, जब तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी।
बताना, झूठ मत बोलना। Amazing! मुझे पता ही था। पता है क्या, रितेश कहता है कि मुझे डांस करना नहीं आता। रितेश अब पुरानी बात हो गई है डॉली, इस समय हम पॉपी की बात करेंगे। तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? एक मिनट, मुझे लगता है तुम्हारे जो मूव्स हैं हम उसे लास्ट के लिए बचा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि मीठा हमेशा खाने के बाद देते हैं लास्ट में। तो पहले मैं शुरू करूंगा कुछ भी हल्का फुल्का। जैसे मेरा एक मूव है, आसमान का फरिश्ता। आसमान का फरिश्ता? डॉली थोड़ा छोटा फरिश्ता। आसमान का फरिश्ता, आसमान का फरिश्ता, आसमान का फरिश्ता, आसमान का फरिश्ता। आजा बेटा, कुछ पता चला? हाँ, क्लास में तो कोई मेरे लिए वोट नहीं कर रहा। सबको लगता है कि वो वीडियो मैंने बनाया, गुर्री ने नहीं। इस गुर्री का तो कुछ करना पड़ेगा। ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है। ऐसे कोई भी मेरे बच्चों को तंग नहीं कर सकता। सुनो जी, आप गुर्री के घर पे जाओ और उसके पापा के मुंह पर एक जोर से घुसा मार कर आओ। नहीं मानी, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा, है ना? इस घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, मर्दों वाले काम भी। बेटा तू डर मत, तू बस देखता जा कैसे तेरी माँ उस गुर्री के पापा को तोड़ कर रखती है। नानी, किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ, पापा सही कह रहे हैं, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन मुझे इसने अपनी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी। देखा, इसने कहा कि इसके पास एक प्लान है ना? चल बेटा। अरे अब स्ट्रेचिंग क्यों कर रही हो, किसी को नहीं तोड़ना। मैं स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ, अटक गई हूँ। पोपी देखो, हमारा कंपटीशन है ये जोकर, ये डांसर और ये जो भी है, हम जीत सकते हैं। वो देखो कैसे भोपू बजा रहा है। इस भोपू को सूजोफोन बोलते हैं। सूजोफोन, सूजोफोन। तुम करो, तुमसे किसने पूछा? लड़ो मत, कंपटीशन, 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 कंपटीशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये थे अविनाश अपने सूजोफोन के साथ, और इस प्यारी सी सुरीली सी धुन का नाम था, शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हम होंगे कामयाब। और अब आपके, थैंक यू, और अब आपके सामने आ रहे हैं बहुत ही सेंसेशनल, दमदार, जोरदार डांसिंग जोड़ी, हवाई चप्पल। Thank you.
उसको भी पढ़ी और शायद आप सभी को भी। और अब हमारा अगला एक्ट, कोई बचा है कि नहीं? हम तैयार हैं। हमारा अगला एक्ट पेश करने जा रहे हैं मास्टर मदारी रोहन सिंह, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हे गाइस, मैं हूँ रोहन सिंह और ये है निकी। निकी सबको हाय बोलो। हाय। तो अभी तक हमें क्यूटनेस के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल ही गए होंगे ना? चलो निकी। अगर मैं आपकी मोइंडा बनती हूँ तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी जरूरत का ध्यान रखूंगी, रिसेस के टाइम को बढ़ाना और होमवर्क को कम करवाने में मैं आपके साथ लड़ूंगी। और सबसे खास बात, मैं बच्चियों को बहुत प्यार करती हूँ, दूसरे कैंडिडेट्स की तरह नहीं, जैसे सनी सिंह। थैंक यू। सबसे पहले मैं इस कैंपेन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मुझे पता है कि मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही कहा गया है जो सब सच है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। पर जब को मेरे परिवार पर हमला करता है तो मैं कुछ कर नहीं पाता। इसलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो मैं अपने सब बच्चों से प्यार करता हूँ, लेकिन अगर किसी एक को चुनना पड़े तो मैं चुनूंगा सनी को। पापा, मैंने आपके कार का इंजन ऑयल चेंज कर दिया। वो भी मेरे बगैर कहे। ये है मेरा बेटा होनहार सनी। सनी कितना प्यारा है और सबका कितना ध्यान रखता है, खास करके अपनी छोटी बहन निकी का। पता है जब निकी का जन्म हुआ तो सबसे ज्यादा खुश सनी था। ये सनी ने अपने हाथों से बनाया है। सनी एक ऐसा बंदा है जिसके साथ आप रहोगे हमेशा फ्रेश फ्रेश। भैया अपना ये पोर्शन जरूर कर लेना, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मैं पूरी रात आपके साथ बैठ सकता हूँ। लेकिन आज तुम घर पे हो, तुम्हें तो सड़क के डॉगीज को खाना खिलाना था। अरे वो तो मैंने सुबह स्कूल जाने के पहले ही कर दिया था। होनार सनी। सनी में सिर्फ प्यार और जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि उसकी फैशन सेंस भी कमाल है। दीदी ये वाला तो बस मस्ती के लिए है, लेकिन ये कमाल। वो खुशी खुशी रहने लगे। सनी सिंह, पहला प्यार परिवार। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, कि मैंने तुम्हारा टैलेंट शो देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हें डांस करना नहीं आता। असल में मैं तो अपने टूटे पैर के झूठ के लिए सॉरी कहने आया था। अच्छा ठीक है, तो बोलो सॉरी। सॉरी डॉली, मुझे तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। रितेश, वैसे मैंने भी तुमसे एक झूठ कहा, वो चिकन सूप मैंने नहीं बनाया, मुझे खाना बनाना ही नहीं आता और शायद डांस भी नहीं। तो क्या हुआ,
डांस अपनी जगह है और दोस्ती अपनी जगह। और दोस्त तो हम हैं ही। बिल्कुल दोस्त। अरे पुपी तुम, पुपी। नहीं नहीं तुम मुझसे दूर रहो। दूर 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 दूर, दूर, दूर। तो निकी कल हमारा टैलेंट शो था और आज मेरे हाथ में ट्रॉफी है जिसपे नाम लिखा है रोहन सिंह का। निकी ये उसे मिला क्योंकि तुम इतनी क्यूट हो। तो मैं क्यों नहीं हूँ? खैर निकी पता है कल टैलेंट शो में काफी टूट-फूट हुई जिसके पैसे मुझे भरने हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे कोर्ट ले जाने की धमकी भी दी है। तो मेरी सलाह ये है कि अगर तुम्हें कोई चीज बेहद पसंद हो और कोई तुमसे कहे कि तुम उसमें बेहद बेकार हो तो उस चीज को छोड़ना मत। पर हाँ उसे सब लोगों के सामने करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ निकी और एक और बात, अगर मैं फ्यूचर में तुम्हें कभी डांस सिखाऊं तो बेस्ट ऑफ लक निकी।